to her, because she, as an actor, as a personality, has been a person who not feared speaking her mind or being herself. Manish, आप काफी मतलब नाइस हैं, अच्छी स्माइल देते हैं, लेकिन जब जज कर रहे होते हैं तो काफी टफ हो जाते हैं. स्माइल कब करते हैं? जो मेरी पर्सनैलिटी है, जब मैं काम करता हूँ तब मैं ऑफिस में भी जाता हूँ तो मैं टफ हो जाता हूँ, बिकॉज आई थिंक वर्क इज वर्क एंड आई ऑलवेज फील कि जब मुझे कोई किसी चीज के लिए बुलाता है तो दैट्स अ सीरियस पॉइंट फॉर मी. इट्स नॉट समथिंग दैट मैं आ रहा हूँ सोशलाइज करने के लिए या मजाक करने के लिए, बिकॉज आई थिंक कोई आपको बुला रहा है क्योंकि आप वो अच्छा करते हैं. तो चाहे अगर वो कोई कॉस्ट्यूम हो फिल्म का, या चाहे वो फैशन शो हो, या चाहे वो ब्राइडल गार्मेंट हो, या आपको इंटरव्यू देना हो, मैं दिल से करता हूँ. वेल तीन थिंग आई डोंट थिंक इट्स फेयर दैट मैं कहूँ, क्योंकि बट इट्स डेफिनेटली मैंने उनका एक सेपरेट नोट बना के सेपरेट नोट भी दिया. मैं इतनी डिटेल में काम करता हूँ. I think I was basically judging in terms of how they were walking, kis tarah ke head ramp ka ke pose kar rahi thi, aur kis tarah se they were carrying off their clothes. So from my perspective, I was looking at judging and marking according to as a photographer, not judging in terms of how they spoke, or not judging on terms of how basically how they would photograph and how they looked is what I was looking at.